प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई इंग्लिश क्लास सेवन्थ यूनिट वन चैप्टर वन थ्री क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट की स्टडी हम कर रहे थे। अभी इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एज द आंसर्स टू विच क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। राजा को उसके प्रश्नों के बहुत अलग अलग उत्तर मिल रहे थे, इसीलिए जो राजा था वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। उसके बदले राजा ने डिसाइड किया कि वह एक निश्चित हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट मीन्स सन्यासी, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता और साधारण जीवन जीता है। और वो हर्मिट जो थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। एक जो हर्मिट थे वह जंगल में रहते थे और वो जंगल से कभी वापस नहीं आते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, मीन्स वो किसी से भी नहीं मिलते थे, केवल साधारण लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उन सन्यासी की कुटिया के पास, मीन्स उन सन्यासी की झोपड़ी के पास जाने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और राजा अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उन सन्यासी की कुटिया के पास गए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वह ग्राउंड में गड्ढे खोद रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो अपनी झोपड़ी के बाहर गड्ढे खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा को अभिवादन किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वापस खोदना चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बहुत बूढ़े और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, और जैसे ही वो काम कर रहे थे उनकी सांसें तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब राजा जो है वह सन्यासी के पास गया और बोला कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं आपके पास तीन प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि सही काम को करने का सही समय क्या है, और मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो सन्यासी, उन्होंने राजा की बात को सुना लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। हिसा ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह गड्ढे खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे फावड़ा दे दीजिए और आप आराम कर लीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और ऐसा कहके उन्होंने अपना फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वे ग्राउंड पे बैठ गए। ये देखिए नीचे पिक्चर बताया गया है आपको, ये जो हर्मिट है उनके हाथ में फावड़ा है और राजा साधारण व्यक्ति के रूप में आया है और राजा उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछ रहा है, और राजा ने उनसे फावड़ा इस पिक्चर में, अब राजा उनसे फावड़ा ले रहे हैं। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने दो गड्ढे खोद दिए उसके बाद उसने अपने प्रश्नों को फिर से रिपीट किया। The hermit gave no answers. उन सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। But he stood up. लेकिन वो खड़े हो गए। Stretching out his hands for the spade and said, Now you rest and let me work. और उन्होंने अपने हाथ फावड़े की ओर बढ़ा दिए और कहा कि अब आप आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा वापस नहीं दिया और कंटिन्यू खोदने लगे। वन आवर पास्ट देन एनदर, एक घंटा बीत गया उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूर्य भी पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, उसके बाद राजा ने उस फावड़े को ग्राउंड में टिका दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी
सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। इतने में सन्यासी कहते हैं कि देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। देन कॉम्प्रहेंशन चेक। इसके बाद में टू क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वेंट टू नो आंसर्स टू वांट टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस, मींस राजा अपने तीन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। एंड सेकंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, राजा ने अपने संदेशवाहक सारे राज्य में किस लिए भेजे थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, टू फेच वाइज मैन, सेकंड टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, थर्ड टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, एंड फोर्थ टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।